हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा अपने आवास पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार में आए हुए लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उनका जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि हरियाणा में किसानों को खाद या बीज की खरीद की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए प्राइवेट दुकानों पर सख्ती कर दी गई है, जिससे कि वह कालाबाजारी ना कर सके। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में हर फसल एमएसपी के ऊपर बिक रही है और बाजरा के भाव भी एमएसपी के ऊपर जाएंगे। बाजरे की हमारी जो नीति है वो सोच समझ कर हमने बनाई थी। पिछली बार जो है 2150 रुपये के एमएसपी पे हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास दूसरे प्रदेशों का बाजरा था। हरियाणा सरकार को घाटा हुआ, हरियाणा के किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। इस बार हमने 72 भरपाई से डायरेक्ट पेमेंट का पैसा किया, देने का फैसला किया और उससे किसान संतुष्ट है, किसान खुश है। ना तो किसान को जे फार्म दिखाना, ना मंडी में बाजरा दिखाना, ना कोई सबूत दिखाना। प्रति एकड़ 4200 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक हम किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते तक 500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में चला जाएगा। और हमारी सरकार इस वक्त जो है ज़्यादातर फसलें एमएसपी से ऊपर बिक रही है। जो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानियां या नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं ऐसे में अब देखना होगा कि प्राइवेट दुकानों पर सख्ती से किसानों और कालाबाजारी रोकने पर सरकार को कितना फायदा होता है।